ब्राइडवेडिंग एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इस चैनल पर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे और आपके इंग्लिश कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं आपके, जैसे कि आपका स्टेट का एग्जाम हो गया, आपका ग्रुप सी का एग्जाम हो गया, SSC का एग्जाम हो गया और आपका बैंकिंग का एग्जाम हो गया। इनके अलावा LIC वगैरह और भी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इंग्लिश आती है और इन एग्जाम्स में जो इंग्लिश आती है उसका पूरा का पूरा सिलेबस बेसिक टू एडवांस इस चैनल पर कराया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, क्या सिलेबस रहेगा हमारा इंग्लिश का, किस तरह से हमें इंग्लिश को पढ़ना है। तो इंग्लिश को पढ़ने का तरीका हमारे पास, हम तीन कैटेगरी में इंग्लिश को पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रामर, दूसरी कैटेगरी वोकैब और तीसरी कैटेगरी आपकी प्रैक्टिस। इस तरह से हम इंग्लिश को करेंगे, सबसे पहले ग्रामर पढ़ेंगे, फिर वोकैब पढ़ेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ग्रामर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके अंदर आपके पास नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, बेसिक, एडवांस और आपके एडवर्ब, आपके कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस आपका इंटरजेक्शंस, ये आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपकी, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर होगी। बाकी इसके अलावा हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, हम सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, ये आपका वर्ब का ही पार्ट है, उसको सेपरेट बना लेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन टैग्स, इन सभी से आपके पास ग्रामर से अलग अलग सेक्शन बनता है। इन सभी से रिलेटेड आपके पास ग्रामर में अलग अलग सेक्शन बनता है। तो ये हमारे पास ग्रामर का पोर्शन था। अब वो गैप की पोर्शन से देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्स में इनमें से क्या आता है। इनमें हमारे पास सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, आपके पास वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, आपके पास स्पेलिंग, और सिलेबस रहेगा और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है वो देखेंगे हम, आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहता है आपको आपको एरर डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास फिलर्स आते हैं, आपका सेंटेंस सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना होता है और जो बैंकिंग और जो SSC के एग्जाम होते हैं उसमें आपके पास इसमें थोड़ा बहुत पैटर्न आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है और दूसरा आपके पास पैटर्न रहता है पैरा जंपल्स का। इसके अलावा हमारे पास पूरे idiom और phrases भी आ जाते हैं जो कि आप इसी vocab वाले सेक्शन में करेंगे। idiom और phrases जो होता है आपके पास vocab के सेक्शन में ही एड कराएंगे आपको, idioms and
फ्रेजेस, इसके साथ आप फ्रेजल वर्ब भी पढ़ेंगे इसमें। बाकी आपकी प्रैक्टिस में और भी पैटर्न रह गए कि आज का एग्जाम की पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की। तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है, ये हमारा इंग्लिश का पैटर्न रहने वाला है। किस हिसाब से हम इंग्लिश को प्रिपेयर करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, तो हम इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक टू एडवांस इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। कोई भी बच्चा जिसको इंग्लिश में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, हम यहाँ पर उसकी हर एक प्रॉब्लम को साथ लेके चलेंगे और बेसिक टू एडवांस इंग्लिश का लेवल रखेंगे। थैंक यू। और आप सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना रिव्यू दें कि किस चीज में हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। थैंक यू।